कहानी की शुरुआत होती है 25 नवंबर 2010 की रात से, जहां पर हम देखते हैं कि अर्जुन सरगिल नाम के एक इंडियन आर्मी ऑफिसर बाकी के कुछ सोल्जर्स के साथ रहमान गुल नाम के एक बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ने की तैयारी करते हैं। और फिर सारे सोल्जर्स धीरे धीरे उन लोगों के बेस के अंदर घुसकर बहुत सारे टेररिस्ट को मारते हैं, और उनमें से ही एक छोटा सा बच्चा था। और अर्जुन देखता है कि उस बच्चे के पूरे बॉडी में बॉम्ब लगा हुआ है, और ये बच्चा एक सुइसाइड बॉम्बर है। और ये बच्चा काफी डरा हुआ भी था, और अर्जुन धीरे धीरे उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे की बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। ये बच्चा दरअसल रहमान गुल का बेटा हामिद गुल था। इसके बाद अर्जुन रहमान गुल को ढूंढ निकालता है और उसे अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद कहानी 12 साल बाद आती है, जहाँ पर हम मुंबई एयरपोर्ट में एक एयर होस्टेस आयशा को देखते हैं, और यहाँ पर ही अर्जुन के साथ आयशा की मुलाकात होती है, और अर्जुन आयशा को गिरने से बचाता है। और इसके बाद आयशा के साथ अर्जुन की फ्लाइट में भी मुलाकात होती है, और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि अर्जुन और आयशा एक दूसरे को डेट करते हैं और वो दोनों एक साथ बहुत खुश भी थे। यहाँ तक कि अर्जुन ने ये भी डिसाइड किया था कि वो आयशा को प्रपोज करेगा। लेकिन इसके बाद एक दिन जब अर्जुन आयशा को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आया था, तभी एयरपोर्ट में अचानक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, और जहाँ पर अर्जुन के साथ साथ बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। और आयशा जब अर्जुन के पास आ रही थी, तभी उसी वक्त आयशा को भी एक गोली लगती है, और उसी वक्त अर्जुन की आंखों के सामने आयशा की मौत हो जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं और अर्जुन हॉस्पिटल में है और उसे होश आता है। इसके बाद डॉक्टर अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन अब जिंदगी में कभी भी चल फिर नहीं सकता है, क्योंकि गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में लगा था और अर्जुन सिर्फ अपनी गर्दन ही घुमा सकता है। और ऐसे सारी जिंदगी व्हील चेयर में रहने के बाद से अर्जुन बहुत ही दुखी हो जाता है। इसी के साथ अर्जुन आयशा की मौत को भी नहीं भुला पा रहा था। इसके बाद देखा जाता है कि एक टेररिस्ट गैंग फिर से इंडिया पर हमला करने का तैयारी कर रहा था, और अर्जुन इसी के सिलसिले में एक न्यूज़ रिपोर्ट देखता है, जहाँ पर हामिद गुल नाम के एक टेररिस्ट को दिखाया जाता है, और अर्जुन उस टेररिस्ट की फोटो देखकर उसे पहचान लेता है। दरअसल यही वो टेररिस्ट है जिसे 12 साल पहले अर्जुन ने वहाँ से जाने के लिए कहा था। इसके बाद ही हम चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस वीके सुब्रमण्यम को देखते हैं। वो अर्जुन के सीनियर भी थे, और फिर बहुत सारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इन्हीं सारी टेररिस्ट अटैक्स को लेकर मीटिंग करते हैं, और वीके सुब्रमण्यम वहाँ पर सुपर सोल्जर्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने के लिए उन लोगों को सुपर सोल्जर्स को ही जंग में भेजना चाहिए। पहले सुब्रमण्यम की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि पिछले 7 सालों से इसी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, और सबा कुरेशी नाम की एक लड़की इसी प्रोग्राम को डेवलप करने की तैयारियां कर रही थी, और वो सक्सेसफुल भी है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर सुब्रमण्यम के इस आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सुब्रमण्यम एक लिस्ट तैयार करते हैं और वो सभा को ये लिस्ट दिखाते हैं, लेकिन सभा कहती है कि इस लिस्ट में जितने भी सारे लोग हैं वो फिजिकली फिट है, लेकिन उसने जो प्रोग्राम तैयार किया है वो फिजिकली डिजेबल लोगों के लिए है। और फिर सुब्रमण्यम अर्जुन से मिलने के लिए उसके घर में जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अर्जुन को ही इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया है, और वो अर्जुन को आने वाले टेररिस्ट अटैक और इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। और सारी बातें सुनकर अर्जुन तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे सारी जिंदगी ऐसे व्हील चेयर में नहीं रहना है और वो आयशा की मौत का बदला भी लेना चाहता था। इसके बाद सभा के साथ अर्जुन की मुलाकात होती है और सभा अर्जुन को डिटेल्स में सारी बातें समझाती है, और अर्जुन सारी बातें सुनकर और अपने लाइफ रिस्क को जानकर भी इस ऑपरेशन के लिए तैयार होता है। और फिर अर्जुन पर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के वक्त अर्जुन की जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी अर्जुन बच जाता है। और फिर जब अर्जुन होश में आता है तो उसे पता चलता है कि ऑपरेट कर उसके अंदर एक इंटेलिजेंस रोबोटिक असिस्टेंट फिट किया गया है, जिसे IRA और ईरा कहकर भी पुकारा जा रहा है, और उसके साथ अर्जुन कम्युनिकेट भी कर सकता है।
और ईरा अर्जुन की माइंड को रीड करेगी और अर्जुन की माइंड उसे जो भी ऑर्डर देगा वो उसी हिसाब से अर्जुन की बाकी बॉडी पार्ट्स को कमांड करेगी और जिसके बाद अर्जुन अपनी बॉडी मूवमेंट कर सकता है। और इसी के बाद अर्जुन फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और खुद को जंग के लिए तैयार करता है। इसके बाद सभा अर्जुन को ये भी अच्छे से समझा देती है कि अर्जुन के सर पर अगर किसी भी तरीके का चोट लगेगा तो ईरा शट डाउन हो जाएगी और वो आगे एक्शन नहीं ले पाएगी, जिसके वजह से अर्जुन अपने सपनों की दुनिया में चला जाएगा। लेकिन वहाँ पर वो जो भी विजन देखेगा उसे खुद ही वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी जिंदगी के लिए कोमा में जा सकता है। इसके बाद एक दिन देखा जाता है कि सभा पार्लियामेंट आई हुई है और वो अर्जुन की प्रोग्रेस की रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्टर को सबमिट करने आई थी। दूसरी तरफ वी के सुब्रमण्यम भी पार्लियामेंट में आने के लिए निकले हुए थे और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और भी बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी थे। लेकिन वी के सुब्रमण्यम के पार्लियामेंट के अंदर पहुँचने से पहले ही अर्जुन को ईरा की मदद से ये पता चल जाता है कि हामिद गुल पार्लियामेंट के आसपास ही है, ईरा ने उसे ट्रैक किया था। और ये सुनकर ही अर्जुन को ये शक होता है कि शायद हामिद गुल पार्लियामेंट पर अटैक करने वाला है, इसलिए वो तुरंत वी के सुब्रमण्यम को कॉल करते हैं और इस बारे में कहते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि हामिद गुल और उसके साथ के टेररिस्ट RAF के भेस में पार्लियामेंट में सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके वहां पर घुस जाते हैं और जाकर पूरे पार्लियामेंट को हाईजैक कर लेते हैं, जहां पर सभा भी मौजूद थी। इसके बाद सुब्रमण्यम और बाकी के जो मिनिस्टर थे वो सब इस हमले के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारियां करते हैं और अर्जुन के साथ कुछ और सोल्जर्स को पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हामिद गुल सारे मिनिस्टर्स को हॉस्टेज बना के सुब्रमण्यम से कांटेक्ट करता है और उसे अपने 3 डिमांड्स के बारे में कहता है। उसकी पहली डिमांड थी कि पार्लियामेंट के ऊपर जो सारे सोल्जर्स के हेलीकॉप्टर्स थे उन लोगों को जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा और सुब्रमण्यम और बाकी के लोगों को मजबूरन ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन सुब्रमण्यम सबको कहते हैं कि अर्जुन के अलावा बाकी सारे सोल्जर्स वहां से आ सकते हैं, लेकिन अर्जुन वहां पर ही रुकेगा क्योंकि वो एक ही 20 सोल्जर के बराबर है और वहाँ पर अंदर छुप कर वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचा सकता है। और अर्जुन और बाकी सारे लोग ये बात मान जाते हैं। इसके बाद अर्जुन छुप कर पार्लियामेंट के अंदर घुसता है और उन टेररिस्ट के कंट्रोल रूम में 4-5 गार्ड्स को मार कर वहाँ की सारी सिस्टम हैक करके सुब्रमण्यम तक पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से अब बाहर वो लोग भी अंदर क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि सभा अपने स्मार्ट वॉच से अर्जुन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त हुसैन नाम का एक टेररिस्ट उसे देख लेता है और ये देखकर वो सभा पर टॉर्चर करने लगता है और सभा की चीख सुनकर अर्जुन उसे बचाने के लिए जाता है। सुब्रमण्यम उसे कोई भी एक्शन लेने से मना करता है लेकिन अर्जुन उनकी बात नहीं सुनता और सभा को बचाने के लिए वो हुसैन के साथ साथ कुछ और टेररिस्ट को भी मार देता है। और जब हामिद वहाँ पर पहुँचता है तो उसे समझ में आता है कि कोई ना कोई अंदर अभी भी रह गया है और वह अपने लोगों को उस सोल्जर को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद अर्जुन एक सोल्जर को मारकर वॉकी टॉकी लेकर हामिद गुल से कम्युनिकेट करता है और अर्जुन की बातों से हामिद गुल को भी ये पता चल जाता है कि अर्जुन वही सोल्जर है जिसके साथ 12 साल पहले उसकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद हामिद गुस्से में वहाँ पर मौजूद एक मिनिस्टर को मार डालता है और सुब्रमण्यम को फिर से कॉल कर कहता है वो अब अपनी दूसरी शर्त बताने वाला है कि उसकी पिता रहमान गुल को उन्हें छोड़ना पड़ेगा और उसी के साथ साथ इस बिल्डिंग में जो सोल्जर मौजूद है उसे भी हामिद के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और मजबूरन सुब्रमण्यम को ये भी मानना पड़ता है और अर्जुन ना चाहते हुए भी हामिद गुल के सामने सरेंडर करता है। और फिर हामिद गुल का एक आदमी अर्जुन के सर पर मारता है जिसके वजह से ईरा शट डाउन हो जाती है और सभा के कहने के मुताबिक अर्जुन अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है जहां पर वो आयशा को देखता है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि अर्जुन ने सभा को वहां से बचा लिया था और उसके बाद सभा भी वहां पर छुप कर खुद को प्रोटेक्ट कर रही है और वो बाकी के सारे टेररिस्ट से छुप छुपाते हुए अपना बैग लेती है और अपना लैपटॉप निकाल कर ईरा को वापस एक्टिव करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ अर्जुन को भी सभा की सारी बातें थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है और उसे समझ में आता है कि वो अपने सपनों की दुनिया में है और धीरे धीरे वो भी कोशिश करता है वहाँ से बाहर निकलने की और फिर सभा की हेल्प से ईरा फिर से एक्टिव हो जाती है और अर्जुन होश में आ जाता है।
और होश में आने के बाद वहां पर मौजूद सारे टेररिस्ट को मारता है। दूसरी तरफ हामिद गुल सुब्रमण्यम से अपनी तीसरी शर्त रखता है। वो कहता है कि वो और उसके आदमियों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो यहाँ पर मौजूद सारे हॉस्टेजेस को छोड़ देगा और वो लोग हामिद गुल को वहाँ से निकालने के लिए उसका इंतज़ाम करते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन बाकी के सारे टेररिस्ट को मार कर जब हामिद गुल को ढूंढने के लिए आता है तो वो देखता है कि हामिद गुल वहाँ से निकल चुका है, लेकिन जाने से पहले वो बिल्डिंग में एक गैस बॉम्ब फिट करके गया है जिसका रिमोट हामिद के पास ही है और वो यहाँ से निकलने के बाद इस बॉम्ब को एक्टिव कर देगा। और ये बॉम्ब अगर एक बार एक्सप्लोड हो गया तो इस पार्लियामेंट के साथ साथ पूरा दिल्ली शहर तबाह हो सकता है। और वो जब सुब्रमण्यम को इसके बारे में बताता है तो सुब्रमण्यम जिस वैन में हामिद गुल एयरपोर्ट जाने वाला था उस वैन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उस वैन में हामिद गुल है ही नहीं, उसकी जगह उन लोगों के सोल्जर्स है जिनके पूरे बॉडी में बॉम्ब लगा हुआ है। दूसरी तरफ अर्जुन को ये पता चलता है कि दरअसल हामिद गुल उस वैन में गया ही नहीं, उसने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि उसे थोड़ा वक्त मिल जाए। और वो पार्लियामेंट की ही एक जगह से सुरंग बनाकर उस सुरंग से खुद अपनी अलग गाड़ी लेकर निकला है। इसके बाद अर्जुन इरा की हेल्प से हामिद गुल की लोकेशन का पता लगाता है और फिर वह हामिद गुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हामिद गुल एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट में बैठ जाता है और फ्लाइट टेक ऑफ ही होने वाले थे तभी वहां पर अर्जुन बाइक लेकर पहुंचता है, उस बाइक को प्लेन के साथ क्रैश कर देता है जिसकी वजह से वो फ्लाइट में मौजूद सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन हामिद गुल वहां से किसी तरीके से बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन अर्जुन उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो उस रिमोट कंट्रोल को लेकर इरा की हेल्प से उस बॉम्ब को डिफ्यूज करता है। तो दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि सबा भी बाकी सारे हॉस्टेजेस को उस बिल्डिंग से सही सलामत बाहर निकाल लेती है और दूसरी तरफ रहमान गुल को भी एक अलग फ्लाइट में बिठाकर हामिद गुल का कहे हुए जगह पर ले जाया जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद रहमान गुल को भी सारे सोल्जर्स फ्लाइट से ही ऊपर से नीचे फेंक देते हैं जिसकी वजह से रहमान गुल की भी मौत हो जाती है। और अपने इस पहले मिशन पर सक्सेसफुल होने की वजह से अर्जुन सुब्रमण्यम और सबा तीनों ही बहुत ही खुश थे। इसके बाद कुछ वक्त बीत जाता है और ये देखा जाता है कि अर्जुन अपने दूसरे मिशन के लिए तैयार हो रहा है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।